मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आप लोगों को जैसा हम लोगों ने बताया था इंस्टाग्राम के थ्रू, आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों का ब्रांड स्टोर यानी कि हाइपरसोनिक का जो ब्रांड स्टोर है वो आने वाला है गुवाहाटी में। तो अभी हम हैं गुवाहाटी की जबरदस्त वाली जगहों में, ठीक है भाई। आप लोगों ने गुवाहाटी का हमारा ऑलरेडी एक स्टोर जो है वो पूरा ओपन होता हुआ देखा था। तो प्रिंस भैया थोड़ा सा बता दो अभी हम लोग कौन सी जगह पे है और कैसे हमारे स्टोर की पूरी तैयारी हो रही है। अभी हम 6 माइल में हैं गुवाहाटी के अंदर, ऑपोजिट ताज होटल है, ठीक है। बाकी मारुति का शोरूम भी नेक्स्ट है, मारुति नेक्सा अरीना इज ऑल्सो नेक्स्ट टू ताज स्टूडियो, ठीक है। ताज कार स्टूडियो है जहाँ पे हमारी ब्रांड स्टोर, हमने वी हैव प्लान टू ओपन अवर ब्रांड स्टोर। एंड यू कैन सी एज एवरीथिंग प्रिपरेशन सारी चल रही है, करेक्ट। पूरा मीडिया जो है यहाँ पर कवरेज के लिए आया हुआ है और साथ में थोड़ा प्रिंस भैया को चाहूँगा थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग हल्का सा, है ना। तो आप लोगों को पूरी तैयारी जो है वो भी हम लोग यहाँ पर चेकआउट करा देते हैं। मीडिया इज ऑल्सो रेडी और एक तरीके से आप लोग देख सकते हो पूरा जो ग्रैंड ओपनिंग वाला जो पूरा चीज़ होगा वो आप लोगों को जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा आप लोग हर हमारे स्टोर की ओपनिंग में देखते हैं, आप लोगों को जो है पूरा रिबन कटिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग अभी आप लोगों का शेयर करेंगे। सबसे पहले प्रिंस भैया मेन चीज़ जानना चाहेंगे, क्या फीलिंग है भाई, एक बार बोलो बता दो भाई। इट्स अ वेरी ऑसम फीलिंग एंड दिस लोकेशन इन गुवाहाटी इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन। इस जगह का नाम है 6 माइल, ठीक है। दिस इज द ऑटोमोबाइल हब, यहाँ पे मेजरली आपको मेजर एसेसरीज के कार स्टूडियो इज अ बिग नेम इन गुवाहाटी, करेक्ट। राइट नाउ एज यू कैन सी दैट इट इज अ मल्टी ब्रांड स्टोर एंड दे हैव ईस्ट फ्रॉम पिन टू पेन, दे हैव एवरीथिंग, वेरी नाइस। From tires, alloys, accessories, coatings, so they are doing everything. So he is one of the most premium brands in Guwahati. आप लोग गाड़ी के स्पेयर पार्ट चाहते हैं अपने डोर स्टेप में लेकिन स्टिल कंफ्यूज्ड है कि भैया कौन सी ऐप सबसे बेस्ट है, तो भाई कोई भी ऐप बेस्ट नहीं है। हमारे पास है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, वो है www.boodmo.com जो कि है स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। अब आप बोलोगे कि भैया इसके नाम में जो है वो कुछ अलग ही एक फीलिंग है क्योंकि इतने सालों से आप हमें इसके बारे में बता रहे हो। तो भाई ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाली ऐप है, इसमें मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है, चाहे मेरी स्विफ्ट हो, चाहे मेरी जिप्सी हो, चाहे मेरे को थार के लिए कुछ भी अगर चाहिए होगा आगे, तो मेरे को जो है boodmo.com वो चीज अवेलेबल करा देता है। आप लोगों के
इसके अंदर पूरा ब्लू प्रिंट मिलता है, साथ ही साथ में आप ईयर के हिसाब से आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, साथ ही साथ में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है सर्च करने का कि कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। तो आज ही अगर आपका मूड बन गया कि भैया मेरे को तो स्पेयर पार्ट अपने घर पे चाहिए, डोर स्टेप पे चाहिए, अपने ही मैकेनिक से लगाना, तो आज ही जाइए www.boodmo.com और अपने स्पेयर पार्ट अपने घर पे मंगवाइए। तो आप लोगों ने पूरा सेरेमनी जो है वो चेकआउट कर लिया। अगेन बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोगों से मैं आप लोगों को मिलवा सक रहा हूँ उतने लोगों से आप लोगों को मिलवा देता हूँ। तो अगर आप लोग गुवाहाटी में आते हैं, यू वांट समथिंग वेरी प्रीमियम जो कि हाइपरसोनिक एक रहने वाला है, बाकी भैया का और चीजों में भी जो है एक्सपर्टीज है, ठीक है, आप लोग आके भैया से इस चीज के बारे में और बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा भैया एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित जैन है। ठीक है भैया, और अमित जी जो है वो स्टोर को पूरा जो है वर्किंग में आप लोगों को चंदू भैया बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार चलते हैं स्टोर के अंदर, थोड़ा सा एक बार हम लोग दिखाते हैं प्रिंस भैया ने जो है वो क्या नया लुक देके यहाँ पर हमको दिया। अगेन अबाउट दी ब्रांडिंग, आप लोगों को पूरा जो ब्रांडिंग वाला चीज है वो देखने को मिल जाएगा। भैया एलॉय व्हील्स में भी डील करते हैं तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल आप लोगों के लिए जो है आज का ये ब्लॉग है, और आप लोगों ने जो है भैया से ऑलरेडी मिले हुए, भैया कैसे हैं? बढ़िया। तो भैया से भी जो है आप लोगों को मिलवा के एक और वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है, वी आर रेडी फॉर इट। सबसे पहली चीज भैया, गुवाहाटी के अंदर हाइपरसोनिक का परफॉर्मेंस या फिर कहते हैं यूजर का फीडबैक कैसा है अभी? अगर बहुत अच्छा है भैया। क्या प्रिंस भैया यहाँ पर कहते हैं वो आफ्टर सर्विस अवेलेबल करा रहे कि नहीं करा रहे? भैया हम तो इमीडिएटली सर्विस देते हैं, चाहे कोई बंदा रात को 10 बजे भी फोन करता था हम उसको अटेंड करते हैं, चाहे 12 बजे भी करे हम अटेंड करते हैं। वेरी नाइस। और भैया मतलब प्रिंस भैया की तरफ से भी कोई कमी नहीं है, प्रिंस भैया सर्विस जब भी फोन करो प्रिंस भैया रेडी है। वैसे लोग कहते हैं प्रिंस भैया का फोन ज्यादातर बिजी रहता है, वो ऑफ कोर्स हमारे लिए तो होंगे किसी ना किसी चलो ये एक राइट चीज है वो जो आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है आप लोगों को एंड्रॉइड स्टीरियो से ही जो है पूरा एक ओवरलुक जो है यहाँ पर दिखाए थे। अगेन एंड्रॉइड में अगर आप लोग बात करते हैं, यू हैव बीएम, यू हैव ऑडी, यू हैव मर्सिडीज, तो उनमें क्या है आप लोगों को चॉइस वाइज बहुत सारा ये रहता है कि अगर गाड़ी ओल्ड हो गई तो हम क्या अपग्रेड कर सकते हैं। स्पेशली गुवाहाटी के उससे भी अगर आप देखें, गुवाहाटी में भी पीपल आर मोर ईगर टू गो फॉर गुड क्वालिटी, मतलब वो नहीं है कि बेसिक क्वालिटी नहीं लगाना, दे वॉन्ट गुड क्वालिटी। आपने जो है हाइपरसोनिक का इतना बड़ा ब्रांड स्टोर जो है वो तैयार किया है गुवाहाटी के लोगों के लिए, अगेन जितने आसपास से नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये वन स्टॉप रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या आपको लगा कि हाँ भाई हाइपरसोनिक का ही ब्रांड स्टोर होना चाहिए, इसका क्या रीजन है? सबसे पहले एक फर्स्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी में हाइपरसोनिक खुद इंस्टॉल करवाया था। करेक्ट। तभी मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत सही है, हमें लोगों को भी ये सर्व करना चाहिए। करेक्ट। इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं है तो हम लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाएं। करेक्ट। तो उस चीज के लिए जैसे हम कहीं जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए तो हमें फील करना पड़ता है पहले कि वो है कैसा। हाँ, मतलब जैसे आज एक आप फोन परचेस कर रहे हो तो आप स्टोर पे जाते हो तो उसको आप फील करोगे ना। करेक्ट। तो फील जोन ही हमने बनाया। करेक्ट। अरे वेरी नाइस। लोग उसको फील कर सके। एक ही बारी में जवाब दे दिया पूरा। आज मतलब क्या होता है लोगों का होता है कि जैसे लगाना सबको है, ठीक है, बट वो क्या करते हैं कि भैया कैसा लगेगा क्या लगेगा वो सब चेक करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है, जैसे मैंने आप लोगों को एंड्रॉइड के बारे में बताया, जैसे आप लोगों ने हम लोगों को आज तक दिखाते हुए पूरी चीजें देखी है, हम लोग आप लोगों को एंड्रॉइड से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगेन अगर आप लोग गुवाहाटी के अंदर है, आप लोगों को वन स्टॉप जो है अब अवेलेबल हो चुका है, ट्रस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड वाला जो पूरा चीज है वो आप लोगों को हाइपरसोनिक की तरफ से ही मिलता है। एंड चंदू भैया विल बी गाइडिंग यू होल, जो कहते हैं एक होल प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो मेजर चीज है उसके तरफ मैं आप लोगों को लेके आता हूं। तो ये काफी ज्यादा इन ट्रेंड के अंदर है क्योंकि यूजर जो है वो चाहता है यार मेरे को आप क्या पहले दिखा सकते हो, क्योंकि ये कस्टमर का हमेशा रहता है कि क्या आप मेरे को पहले चेक करा सकते हो कैसा वो दिखता है या कैसे नहीं दिखता है। आप लोगों का सबसे पहली स्क्रीन जो मैं दिखाने वाला हूं ये है आप लोगों की टेस्ला टाइप स्क्रीन। अगेन यहाँ पर क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को SUVs जैसे आपकी इनोवा हो गई, MUX हो गई, इसुजू की और गाड़ियां हो गई या फॉर्चुनर हो गई, उसका क्रेज ज्यादा है। मेरे को पर्सनली लगा क्रेज है। करेक्ट। लोगों को टेस्ला की नॉलेज भी है यहाँ पे, बिल्कुल, वो डिमांड भी करते हैं। करेक्ट। बट तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, और क्योंकि वही है कि अगर आपको गाइडेंस ही नहीं होगी तो आप लगाओगे कैसे? 100% है ना। तो उसी चीज के लिए जैसे हमने यहाँ पे एक स्टॉप ये डेमो सेट रेडी किया है। वेरी नाइस। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कैसा क्या है क्या नहीं है, आपको सूट कर रहा है नहीं करेगा, परफॉर्मेंस कैसा है, right. सब कुछ आप इसमें चेकआउट करके सेटिस्फाइड होके फिर आप अपने गाड़ी में इंस्टॉल करो। वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 9 इंचेस वाला स्क्रीन जिसमें आप लोगों को 216, 232, 464 और हमारा 6128 बहुत सारी चॉइसेस है आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। इनकी अपनी रेंज भी जो है यहाँ पर तैयार है। अब एक चीज प्रिंस से पर्सनली हम लोग पूछ जाएंगे, प्रिंस अगर हम लोग बात करते हैं हमारी अभी जो एड ऑन्स होने वाले हैं प्रोडक्ट के, उसके एड ऑन्स बताओ क्या प्रोडक्ट एड ऑन्स आपके पीछे चल रहे हैं। टायर इंफ्लेटर हमारे एड ऑन हो चुके, ठीक है, ये आप लोगों ने अगर हमारे एड ऑन हो चुके हैं, ठीक है, अगर आपने भारत कार की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने थोड़ा सा इसका एक आइडिया दे दिया था आप लोगों को कि क्या प्रोडक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। एंड अगेन सर जैसे मार्केट में कोई चीज
जैसे फॉर एग्जांपल नेक्सॉन दिखा रहे हैं या ब्रेजा दिखा रहे हैं, तो होता क्या है लोगों के पास कैनवस होता नहीं है, जब स्टीरियो लगाने की बात आती है तो क्या करते हैं इधर से ऑल्टर कर दिया उधर से ऑल्टर कर दिया फिर लगा देते हैं, तो वो एक कस्टमर के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे मार्केट में एंड्रॉइड तो बहुत काफी मिलते हैं, करेक्ट, सस्ते भी मिलते हैं, सबसे जरूरी 100% हाइपरसोनिक हो सकता है, थोड़ा सा आप पकड़ लो आपके बजट से थोड़ा बाहर जाता होगा, करेक्ट, वो आपको सेटिस्फाइड भी 100% करेगा। और मैं एक चीज पर्सनली बताना चाहूंगा, ये मैं आप लोगों को पिछले कितने 2017-18 से मैं आप लोगों को चीज समझा रहा हूँ कि भाई ये जो एंड्रॉइड है, कैसे लोग बोलते हैं भैया चाइना से आ गया अब तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, भाई चाइना में भी ऑर्डर देते वक्त ना तो चिप देखी जाती है कि भैया आपने कौन सी आईसी लगानी है, आपने कौन सा मदरबोर्ड यूज करना है, किस कॉस्टिंग में आपने वर्किंग करनी है। इसके अंदर जो अपनी भाई हमने तो आज तक कोई कंप्लेंट नहीं सुनी कि हमारी स्टीरियो बंद हो गया हो चलता हुआ या हीट हो गया हो, जो हमने भी काफी हाइपरसोनिक के सिस्टम सेल करी है बट आज तक गॉड फॉरबिड एक भी कंप्लेंट नहीं मिला हमें। हम चाहते भी नहीं है कि आए क्योंकि उसके लिए हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही चीज आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब यहां से आप लोग जो है और रेंज चेक कर सकते हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास आया है वही हमारा एमेन लाइट, अगेन बहुत सारे एक्स वाई जेड ब्रांड जो है इसके साथ में आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। प्रिंस वो नई वाली लाइट हमने इंस्टॉल कर दी अभी बाहर, K3 हमने इंस्टॉल कर, क्या नाम है उसका, K3 क्यों K3 क्या अच्छा, एक दो ब्रांड और बनाते तो उससे ठीक है, ये कॉम्पिटिशन वाला गेम है, ये कॉम्पिटिशन वाला गेम है, अच्छा कॉम्पिटेटिव गेम है, हमने जो लगाई है आज गाड़ी में वी हैव इंस्टॉल्ड 22 पीस, ठीक है, उसमें स्पीकर रिंग्स के अंदर भी आपको लाइट देगी, मजा आएगा, मत बताओ सबको अभी मत बताओ बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को रियर अगर आप लोगों को एंटरटेनमेंट का ऑप्शन चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाता है, साथ ही साथ में आप लोगों को पता होगा वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो कि हम लोगों ने ये टेस्टिंग करके प्रिंस भैया ने मंगाए थे और हम लोगों को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला इसके बाद, ऑल्दो इसके मार्केट में काफी कॉपी हुए। ब्लू लेंस के बारे में आप लोगों को हमने बताया लेकिन ब्लू लेंस फिर मार्केट में थोड़ा सा कॉस्टिंग वाइज चेंज हो गया तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये क्या प्रिंस भैया, ये हमारी एलईडी 18 एलईडी विद ऐप कंट्रोल एंड रिमोट कंट्रोल दोनों का ऑप्शन, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ये भी हम लोगों ने एक टाइम पे बहुत मतलब जिस टाइम पे हमारे पास किया थी उस टाइम पे दबा के गया, अभी की सबसे ट्रेंडी है ये, अच्छा सबसे ट्रेंडी है ये न्यू अराइवल हमारा 10.25 इंच डीवीआर, इसको मैं, अरे वेरी नाइस सर, विद अच्छा ये अपना वही वाला डीवीआर है जो व्हाइट में आता था जी, बिल्कुल, मतलब उससे काफी अपडेटेड है, ये टच में है वो नॉन टच में था, अच्छा टच स्क्रीन और 10.25 इंच की स्क्रीन है ये, अच्छा इसका जरा पीछे का दिखाओ पहले मेजर चीज तो लोगों को जो दिखानी है, ठीक है भाई, तो आप लोगों का इसमें दोनों तरफ है क्या है कैसे वर्किंग, दोनों तरफ कैमराज हैं इसमें, एक बेनिफिट और भी इसमें हम आपको दे रहे हैं कि गाड़ी में लगाने के बाद मिरर के अंदर कई बार क्या होता है कि दिक्कत आती है कि कैमरा अड़ जाता है, तो हम लोग कैमरा यहाँ पे एक्सटेंशन दे रहे हैं कि कैमरा आपका एक्सटेंड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है भाई, ये हमारा स्क्रीन का, आप ऑन क्या कर रहे हो, फोन की तरह ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाता है, इसमें इंटरनल बैटरी होती है बट नो चार्जिंग राइट नाउ, ठीक है सर, चार्जिंग नहीं है वैसे ही ऑन हो जाता है भैया बता रहे, दबा के तो रखना, आई थिंक वी कैन चेक द अनदर वन इफ द अदर वन, ये लो भैया ऑन कर दिया मैंने, Yeah, अब आपने थोड़ा कम देर तक दबा के रखा था, हाइपरसोनिक की ब्रांडिंग के साथ में ये ऑफिशियली गुवाहाटी के अंदर ही रिवील हो रहा है, अब मैंने कुछ प्रोडक्ट बचा रखे जो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा था मार्केट में लेकिन अब आप लोगों को पर्सनली देखने को मिल जाएगा, दिस इज हाउ द क्वालिटी लुक्स लाइक, लगाओ लगाओ हटाओ, ठीक है भाई, तो अब यार इसमें ना जस्टिस हो नहीं पा रहा, मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, अभी तो प्रिंस भैया का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके अंदर ना, ये देखो अब आपको दिख रहा है, हाँ देखो क्लैरिटी है भाई, ठीक है वेरी नाइस, ये प्रोडक्ट जो है मैं अच्छे से रिवील करूंगा प्रिंस, इसको मैंने दो तीन प्रोडक्ट बचा रखे जो हम अच्छे से थोड़ा रिवील करके ऑडियंस को दिखाएंगे जिससे थोड़ी नॉलेज मिल सके, ठीक है, है? ये अच्छा है लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इवन पिछला वाला प्रोडक्ट हमारा आई गेस दो दिन के अंदर आउट ऑफ सेल मतलब हो गया था, मतलब कितने पीसेस थे वो तो मैं रिवील नहीं करूंगा लेकिन हमने दो दिन में उसको आउट ऑफ सेल कर दिया था, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स है। एक चीज जो आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो को देखने से पहले मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सो ऑफिशियली जो है ये भी अभी हम लोगों ने लॉन्चिंग नहीं करी है, दिस इज मॉन्स्टर, दिस इज 130 वॉट की जो है आप लोगों की एलईडी है, वी ऑलरेडी टेस्टेड इट ऑन मारुति स्विफ्ट और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, अगेन वी हैव द ऑप्शन फॉर 74 वॉट ऑल्सो, वो भी भाई वो तो हमारा सबसे ट्रेंडी प्रोडक्ट है, 74 वॉट प्लैटिनम इज आल्सो गोइंग ऑन वेरी गुड, और एचआईडी का भी हमारा ऑप्शन है, करेक्ट, एचआईडीज वी आर आल्सो हैविंग द एचआईडीज आल्सो एंड दिस इज द ऑल गुड 74, सो गाइस मैं आप लोगों को मतलब पर्सनल ओपिनियन वैसे बताऊंगा जिस लोगों को इनके बारे में पता है कि ब्रिजलक्स चिप क्या होता है, अगर आप लोग गूगल में इसके बारे में पढ़ोगे भी आपको नॉलेज मिल जाएगा, तो बेसिकली क्या होता है जो मार्केट में अभी चिप चलता है 2000 कॉप चिप्स बोलते हैं उनको, ठीक है, तो कॉप का काम क्या होता है वो लाइट जो है वो आगे रिफ्लेक्ट तो करती है लेकिन वो कभी भी थ्रो नहीं बना पाती, जैसे इसका 74 वॉट लिखा तो कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है थोड़ा बताना, डिवाइडेड बाय टू ठीक है भाई, वैसे इसमें जो है अगर आप लोग देखना चाहो प्रिंस भाई आपको करके दिखा देते हैं, 74 डिवाइडेड बाय 37 वॉट, ठीक है भैया 74 मतलब अगर आपको कभी कोई बोलता है ना भैया मेरे पास 180 वॉट की एलईडी है, मैं बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ 180 वॉट अगर एक साइड में लगाओगे केवल तो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो जल जाएगी भाई,
ये सोचने वाली बात है। गाड़ी भी जो कंपनी बनाती है वो एक सोच समझ के बनाती है, जो आप लोगों का कस्टम यानी कि कंपनी की तरफ से आप लोगों को बल्ब आता है 2055-60 होता है, जिसको आप 55-60 के नाम से जानते हो, येलो हेलोजन बल्ब होते हैं, उसका अपग्रेडेशन आप 90-100 में कराते हो, उसके लिए आपको रिले लगाना पड़ता है। सेम विद एलईडी, ये आप लोगों की उतनी पावर कंजप्शन नहीं करती, लेकिन इसमें चीज होती है। तो प्लीज ट्राइडेंट, हाँ ट्राइडेंट, ये तो सर हम लोगों ने इतनी ट्राइडेंट टेस्टेड कर ली कि मैं उसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब मेरी थार हो गई, मेरी थार हो गई, i20 हो गई, हम लोगों ने बहुत गाड़ियों में जो है इसको, और मतलब अमेजिंग है, मतलब इसका रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में अभी। वेरी नाइस, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोगों को HID वाला जो पूरा ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, और ये भैया के और भी प्रोडक्ट्स है। मैं ऐसा नहीं बोलता केवल हाइपरसोनिक का ही सामान लेना भैया से, भैया के पास यहाँ A to Z सब कुछ मिलेगा आपको। करेक्ट, आप बस गाड़ी लाओ और काम कराओ। भैया के पास एलॉय का भी काम है, आप लोगों को जो है कि बैलेंसिंग का भी सब कुछ है, डिटेलिंग भी करते हैं, ऑल इन वन, तो वन स्टॉप वाली बात है। चलो भाई ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है एक आइडिया मिल गया, स्टोर के बारे में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा सर मैं चाहूंगा जो हमारी असमिस की लैंग्वेज है, प्लीज आप उसमें लोगों को जो है कहते हैं ना कि उनको कन्विंस करो कि हाँ मेरे पास आना है, वर्किंग करानी है, और कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। मैंने अपना गुवाहाटी कार स्टूडियो बोली दुकान हमारे अपना सब वस्तुए काम सबरे काम करा जाए। मैंने গাড়ি আপনার লাইক আমি হাইপারসোনিক এটা এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড স্টোর এটা খুলিল, ইয়াতে আপনি ফিল করব পারে ডেমোটো, প্র্যাকটিক্যালি জানিব বিচারে যদি প্র্যাকটিক্যালি আপনি ট্রাই করব পারে, ইউজ করব পারে, নিজে এক্সপিরিয়েন্স করে স্যাটিসফাই হয়ে আপনি বস্তুটো গাইড ফিট করব পারে। তারপরে ধরো আপনার আরো বেলেগ কিবা কাম লাগে, যদি অ্যালয়জর হয়ে গেল, টায়ারর হয়ে গেল, মেকানিক্যাল কিবা হয়ে গেল, এভরিথিং এসি রিগার্ডিং এসি টায়ার্স, then denting and painting, then mechanical, ceramic coating, detailing, everything, আমি ইয়াতে সব কাম করো। আপনার যি লাগে, লাইক ধরো আপনার হাওয়া গাড়ির হাওয়া দিয়ার পর গাড়ির যি বস্তুয়ে লাগে সব কামে হয় ইয়াতে 100%। আর এনেকা নহয় যে রেটটো বহুত বেশি হয়, রেটটো আমার বহুত জেনুইন হয়। আপনি এবার আহি আমার ইয়াতে ভিজিট করক, বস্তুটো চালে এক্সপিরিয়েন্স করক নিজে, তারপরে গম পাব কেনেকুৱা কি। কেসে পৌঁছ সকতে হবে আপকে পাস তক? আমার ইয়ার এড্রেসও হয়ে গেল ধরো ফার্ম গেটর, খানাপাড়া ফার্ম গেট, নিয়ার হোটেল এস্টেট প্রিমিয়ার, ঠিক আছে। উসকে অপোজিট পে তাজ হোটেল হ্যায়, নট তাজ, তাজ তো ইয়াহ সে অলমোস্ট, আচ্ছা থোড়া আগে হুয়া, ঠিক হ্যায়। মারুতি কা শোরুম হ্যায় ওলা উদয় নিয়ার ভাই, আপকা মারুতি পোদা শোরুম, ওকে নিয়ার ভাই পোদা শোরুম, বাদ বাকি এক্সাক্ট লোকেশন ফার্ম গেট নিয়ার হোটেল এস্টেট, তো হাম উসকো ডেসক্রিপশন মে দে দেঙ্গে জো এক লোকেশন হোগা, ঠিক হ্যায়। আব নেক্সট চিজ জো হাম আপকো দিখানে ওয়ালে आर्यन भाई, चंदू भाई और राहुल भाई, ठीक है। तो तीनों भाई जो है वो आप लोगों की जो है सर्विस में अवेलेबल है, तो प्लीज आप लोग जो है जरूर पार्ट बनो। बाकी जो नेक्स्ट चीज रह रही है वो है हम लोगों की डेमो कार जो हम लोगों ने तैयार करी, अगेन हाइपरसोनिक, उसमें बहुत सारी चीजें लगा रखी है। लेट्स एक्सप्लोर। एंड 360 का क्या रिस्पांस है असम के उससे? बहुत बढ़िया रिस्पांस, क्योंकि हमने दिल्ली में तो ऐसा हो गया कि रोज की 8-8 गाड़ियां भाई के पास आती है, और यहाँ 360 लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको उनको एक्सपीरियंस नहीं है। करेक्ट करेक्ट, और उनको जैसे आप पकड़ लो हाइपरसोनिक ही क्यों, क्योंकि वो उससे एक्यूरेसी और कोई कंपनी आपको नहीं दे सकती। प्रिंस भैया कौन सा चिप यूज कर रहे हैं, कौन सा लेंस है पहले बताओ? हम लोग सोनी ASD का, आपका सोनी का लेंस यूज कर रहे हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई सोनी का, कोई और दूसरा बोलता है सोनी का कर रहे, नहीं कर सकते, जिस कॉस्टिंग में हमारा प्रोडक्ट आता है उसमें कोई नहीं दे सकता। ये हमारा बहुत टेस्टिंग है, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिवील होने से पहले के अंदर दे रहे हैं, अभी हम आपको इको स्पोर्ट के अंदर पूरी इसका व्यू भी दिखाते हैं। करेक्ट, क्या व्यू है गाड़ी के अंदर, सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द डेमो व्हीकल। ठीक है भाई, वी आर ऑल सेट, लेट्स गो।
आप लोगों ने जैसा देखा ये है इको स्पोर्ट और आप लोगों को बहुत सारी गाड़ी हमने ऐसे दिखाई है, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि भाई अपना एंड्रॉयड सीरो लगने के बाद 360 एक नंबर का काम करता है, ठीक है भाई। लेफ्ट राइट दोनों आप लोग जैसे इंडिकेटर देंगे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रंट रियर साइड के आप लोगों ने कैमरा जो है वो चेकआउट कर लिए है, और अगर आप लोग बैक कैमरा डालते हैं तो आप लोगों का रियर व्यू जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें हमने अपनी K3 सीरीज वाली जो लाइट्स है वो इंस्टॉल करी है। दिस इज वेरी लिमिटेड और अच्छी क्वालिटी जो है इसकी बहुत लिमिटेड आती है, तो अगर आप लोग लेना चाहे तो इसके लिए आप लोग जरूर ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी कैसी लगी इसकी आवाज जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। अब जो हम लोग फीडबैक लेने वाले हैं वो मैं कस्टमर फीडबैक नहीं है, वो फैमिली फीडबैक है कि फैमिली को जो है वो कैसा लगा, क्योंकि स्टोर तो ऑलरेडी देख लिया लेकिन कैसे हम लोगों ने तैयार किया, तो एक बार हम लोग फीडबैक स्टार्ट करते हैं। सर कैसा लगा सर आपको स्टोर देख के, कैसा लगा? हाउ वाज इट? देख रहा है ना ये, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम कैसा लगा आपको स्टोर देख के? बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट बनाया कुछ, कैसा लगा स्टोर? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा स्टोर? कुछ कोई चीज है जो भैया को आप रिकमेंड करोगे कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ होना चाहिए? खुद की गाड़ी में अपग्रेड जब करेंगे तब और अच्छी तरीके से होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। और आई होप गाइस आप लोगों को जो है व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने जो है सब चीजें जो है इन्फॉर्मेशन वाइज आप लोगों ने देख लिया। ये हमारा सेकंड टाइम है गुवाहाटी में, जब हम लोग पहली बार आए थे। अच्छा, अरे अमित भैया एंड सुधीर भैया, तो अब तीन नाम हो गए, चंदू भैया, राहुल भैया, टू इन वन। अच्छा चंदू, अच्छा ठीक है, एंड सुधीर भैया, सुधीर दो हैं, आर्यन, अच्छा आर्यन इज सन ऑफ सुधीर भैया, ठीक है, आर्यन से हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट। सेकंडली राहुल भैया, वो भी आपको यहाँ आते आते मिल जाएंगे। आप लोगों को हम लोगों ने जब पिछली बार गुवाहाटी आए थे एक्सपीरियंस वॉज अगेन वेरी नाइस। उस टाइम पे हमने एक डिटेलिंग स्टोर की भी ओपनिंग करी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ज्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाए थे पूरा सही तरीके से। इस बार भैया के स्टोर में हम फिर से जाने वाले हैं, फिर से आप लोगों को जो है सब पूरी है, मोस्ट प्रोबली मोस्ट वेलकम। अच्छा मोस्ट वेलकम, ठीक है भाई। और बाकी अगर आप लोग भैया तक पहुंचना चाहते हो, भैया ने एड्रेस शेयर कर दिया है। अगेन अभी हमारा जो आगे का प्लानिंग है वो मेघालय है, कि मेघालय में हम लोग कुछ लेके आए, अपर असम का सोच रहे हैं आगे। और एक वो जगह थी जो आप कह रहे थे वो तो हमने करनी है, कौन से डी से था, ठीक है, वो जगह जो है काफी लोगों ने, मैंने यहाँ पर देखा काफी सारे लोग कह रहे थे कि वहाँ पर खुलना चाहिए क्योंकि वहाँ पोटेंशियल है। प्लानिंग वेरी सून आप सबको पता लग गया, तो भाई अभी रिवील नहीं कर रहे हम लोग। उसके सिवा वी आर कमिंग इन रांची, वी आर कमिंग इन जयपुर, वी आर कमिंग इन रांची, वी आर कमिंग इन सोनीपत, वी आर आल्सो कमिंग इन कोलकाता। कोलकाता, वेरी नाइस। तो मैंने प्रिंस भैया को एक चीज और बोला है, हम लोग जो भी चीज ओपन कर रहे हैं वो क्वालिटी चेक में कर रहे हैं, मतलब हमने ऐसे नहीं करना कि भाई खोलना तो हर जगह खोल दो, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि हर जगह क्वालिटी चल रही है वो हम लोग फॉलो अप करते हुए चल रहे हैं। It's very easy to give the brand name to someone, but we should give it to someone whom should respect the brand as we respect. So correct. These are the people की जिसमें लगता है कि हाँ कि एक trust। Franchise खोलने से कुछ नहीं होता है। वो franchise की value बना के रखनी होती है, brand की value बना के रखनी। Correct, correct. So you always have to find the right people who value the brand and who value the customer. आप लोगों के सामने, ठीक है। So I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम मुसाफिर अड्डा 11, फेसबुक मुसाफिर कार्स। इसी के साथ में आज की इस वीडियो को, इस व्लॉग को, एंड स्पेशल थैंक्स टू भैया, प्रिंस भैया, सारी जितनी हमारी टीम है फॉर हैविंग अस, और करते हैं आज की वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड एक बार ऐसे बाय बाय ऐसे कर दिए सर, ऐसे करके।